नमस्कार, वेलकम बैक टू अर ओन चैनल। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूँ आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव। हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं फूड्स, मेडिसिन, प्रोडक्ट रिव्यू और डाइट प्लान के बारे में। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे घर में बनने वाली एक रोटी। जी हाँ, एक वो रोटी हमें क्या कैलोरीज देती है, क्या प्रोटीन देती है, क्या उसमें फाइबर्स होते हैं, फैट कितना होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रोटी खाने से मोटे होते हैं, तो चलिए देखते हैं आपकी इस रोटी में आखिर होता क्या क्या है। आप अगर 20 ग्राम की रोटी बनाते हैं, जी हाँ 20 ग्राम की मीडियम साइज़ की पतली चपाती, बहुत सारे लोगों को पतली चपाती खाना बहुत अच्छा लगता है, गेहूं के आटे की पतली चपाती बनाते हैं, तो उससे आपको क्या क्या मिलता है चलिए ये देख लेते हैं। 20 ग्राम का ये जो आटा होता है गेहूं का, ये आपको देता है कैलरीज़। अब कैलरीज कितनी देता है, ये कैलरीज देता है आपको 70, प्रोटीन मिलता है आपको 2 ग्राम, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है 15 ग्राम और फैट यानी कि वसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो लोग रोटी ये सोच करके नहीं खाते हैं कि इससे वो मोटे हो जाएंगे, वो गलत है। आप चपाती को आपकी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये रहा आज का सारा वीडियो, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। टेक केयर एवरीवन, बाय।